नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा मैं बताता हूं अपने वीडियोस में कि डायलिसिस करवाने से बहुत गुना ज्यादा अच्छा है किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाना, क्योंकि उसमें हमें पेशेंट को एक किडनी मिल जाती है और उसके बाद वो किडनी लगातार बॉडी का ब्लड साफ करती रहती है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि डायलिसिस में 3 दिन में 4 दिन में एक बार हम ब्लड साफ करवाते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद लगातार हमारा ब्लड साफ होता है, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली सब अच्छा होने लगता है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान पेशेंट ट्रांसप्लांट करवाना तो चाहता है लेकिन उसकी फैमिली में किसी की किडनी मैच नहीं होती और ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमें अब ट्रांसप्लांट हम करवा ही नहीं सकते और हमें अब जिंदगी भर डायलिसिस करवाते रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो लोग सब उम्मीद छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है कि अगर फैमिली में से किसी की किडनी मैच नहीं हो सकती फिर भी अगर ट्रांसप्लांट करवाना है तो क्या क्या जरिए है, क्या क्या तरीके है। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में से किसी की किडनी मैच नहीं हुई तो बस आप ट्रांसप्लांट करवा ही नहीं सकते, आपको जिंदगी भर डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर एंड तक नहीं देखोगे, पूरा नहीं देखोगे तो शायद आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो कुछ काम की नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और दूसरी एक बात मैं बता दूं कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही बहुत हेल्पफुल यूजफुल वीडियो हम किडनी के बारे में अपलोड करते रहते हैं जो आपको बहुत यूजफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर फैमिली में से किसी की किडनी मैच नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर घर के सदस्य में से कोई ब्लड रिलेशन में से किडनी मैच हो जाती है तो सबसे अच्छा, उसके बाद अगर सारे रिपोर्ट्स इजीली हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती, तो 3-4 महीने में या मैक्सिमम 5 महीने में ट्रांसप्लांट हो जाएगा आराम से। लेकिन समझ लो कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ या फिर HLA रिपोर्ट में पता चला कि किडनी मैच नहीं होती है तो क्या करना चाहिए। उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि जैसे फैमिली में से कोई किडनी देना तो चाहता है, देने के लिए रेडी है, उसकी हेल्थ एकदम अच्छी है, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ या फिर HLA रिपोर्ट में पता चला कि किडनी मैच नहीं करेगी पेशेंट के बॉडी में, तो यहां पे एक डोनर तो है आपके पास जिसकी किडनी बस मैच नहीं हो रही आपके पेशेंट के साथ, एक डोनर तो है, तो इसमें आप क्रॉस ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो जिसके बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहां ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्रॉस ट्रांसप्लांट जिसमें किडनी स्वैप होती है, यानी कि आपके पास जो डोनर है उसकी किडनी किसी और पेशेंट को मिलेगी जिसके साथ एकदम परफेक्टली मैच होती होगी, और उसका जो डोनर है, उस पेशेंट का जो डोनर है, हो सकता है कि उसकी किडनी आपके पेशेंट के साथ मैच हो जाए, तो इस तरह से क्रॉस ट्रांसप्लांट यानी कि स्वैप ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं, ये हो सकता है। समझ लीजिए कि क्रॉस ट्रांसप्लांट भी नहीं हो रहा। देखिए, क्रॉस ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा कुछ किस्सों में, जैसे कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में भी क्रॉस ट्रांसप्लांट होता है लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि समझ लो आपका पेशेंट ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ओ ब्लड ग्रुप वाला ही डोनर चाहिए, और समझ लो आपके फैमिली में, आपके घर में और कोई इंसान नहीं है जिसका ब्लड ग्रुप ओ, तो आप अगर क्रॉस ट्रांसप्लांट के लिए जाते हो तो क्या होगा, उस पेशेंट को किसी और डोनर की किडनी चाहिए होगी जिसका ओ ग्रुप होगा, बराबर। अब वो डोनर कौन हो सकता है, जिसने भी अपने पेशेंट का क्रॉस ट्रांसप्लांट में नाम लिखवाया होगा, तो वो क्यों लिखवाएगा, अगर वो डोनर ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो वो अपने पेशेंट का नाम क्रॉस ट्रांसप्लांट में क्यों लगवाएगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले की किडनी तो हर पेशेंट में चलती है, तो वो अपने ही पेशेंट को क्यों ना दे, वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को क्यों ना दे, क्यों वो आपके फैमिली में दे। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला अगर आपका पेशेंट है तो क्रॉस ट्रांसप्लांट में भी किडनी मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर वो इंसान केडेवर में जाता है यानी कि वेटिंग लिस्ट में जाता है, वहां उसको किडनी मिल सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ओ ग्रुप वालों को ओ ग्रुप की ही किडनी चलती है और कोई किडनी नहीं चलती है, तो केडेवर में भी ओ ब्लड ग्रुप के लिए वेटिंग लिस्ट थोड़ा और लंबा होता है, यानी कि वेटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अब यहां पे वो इंसान क्या करे दोस्तों, उसके लिए एक और तरीका है, ये मेन बात है इस वीडियो की, जिसको बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। अब ये क्या है,
इसमें दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है फिर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी धीरे 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 करके डेवलप हो रही है, फॉरेन में तो थी लेकिन अब इंडिया में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये पद्धति से ट्रांसप्लांट हो रहा है। इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, इसमें एक प्रोसीजर की जाती है ट्रांसप्लांट के पहले ही। एक बात समझ लीजिए कि ट्रांसप्लांट में एचएलए रिपोर्ट में पता चलता है कि किडनी मैच नहीं हो रही। ये किस तरह से पता चलता है? ये इस तरह से पता चलता है कि किडनी जो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की बॉडी में जाएगी तो पेशेंट की बॉडी में जो ब्लड है वो किडनी को फिर से फेल करने की, फिर से रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा पेशेंट का ब्लड। यानी कि जो कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, वो कुछ इस तरह की है कि बाहर से आए हुए कोई भी चीज को वो फेल करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारी सबकी बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर होता है कि कोई इन्फेक्शन लग गया, हमें कोई बीमारी लग गई तो उससे लड़ने की हम कोशिश करते हैं। हमारा जो ब्लड होता है वो दूसरे रोग से, इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हराने की कोशिश करते हैं। अब हमारा जो ब्लड है उसको नहीं पता कि बाहर से जो किडनी आई है वो हमारे भले के लिए है या कोई दुश्मन की किडनी है या कोई दुश्मन है, तो वो क्या करता है, उससे भी लड़ने की कोशिश करता है, तो वो किडनी भी फेल हो जाती है, वो किडनी रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर इस तरह का ब्लड है तो उसको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेसिस प्रोसेस। ठीक है, प्लाज्मा थेरेसिस प्रोसेस में पेशेंट के ब्लड में से वो चीज निकाल दी जाती है जो किडनी को फेल कर सकती है, जो किडनी को रिजेक्ट कर सकती है। तो ये चीज निकालने के बाद अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो बॉडी काम कर सकती है, किडनी काम कर सकती है। ये पूरा एक तरीका है, इस तरह से की जा सकती है ट्रांसप्लांट। लेकिन दोस्तों ये बहुत सारी जगह पर सक्सेसफुल हो रही है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि एक बार प्लाज्मा थेरेसिस की प्रोसेस करते हैं, सारा का सारा एकदम ब्लड में से वो चीज नहीं निकलती, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, चार बार करते हैं, उसके बाद भी अगर ब्लड में वो चीज रह जाती है तो उसके बाद ज्यादा नहीं कर सकते। तो चार बार का आपका खर्चा तो हो ही जाएगा, चार बार की आपकी मेहनत तो हो ही जाएगी, लेकिन फिर से ट्रांसप्लांट तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी है ब्लड रिलेशन में किसी की किडनी मिल जाए, दूसरी प्रायोरिटी आप दीजिए क्रॉस ट्रांसप्लांट, तीसरी प्रायोरिटी आप दीजिए कैडेवर। ये तीनों में से आपका काम नहीं बनने वाला तो ये चौथी प्रोसीजर इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हो। वैसे देखा जाए सक्सेस रेशियो तो ये नॉर्मल ऑपरेशन जो होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाला या क्रॉस ट्रांसप्लांट वाला या केडेवर वाला, उससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मतलब ये चीज भी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह से आपका ऑपरेशन कहीं पर रुक रहा है, ब्लड ग्रुप मैच ना होने की वजह से या एचएलए रिपोर्ट मैच ना होने की वजह से अगर रुक रहा है, तो एक ये ऑप्शन है। आप बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाओगे इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल नहीं करोगे, पता ही नहीं करोगे और बस घर में बैठ जाओगे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे घर में तो कोई डोनर है ही नहीं, तो दोस्तों आगे ट्रांसप्लांट होगा ही नहीं। इसलिए यहां पे हार नहीं माननी है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, एचएलए रिपोर्ट में अगर पता चलता है कि किडनी मैच नहीं होती, तो यहां पर हार नहीं माननी है। ये कुछ तरीके हैं जिसके बारे में आप ज्यादा जानकारी आपके डॉक्टर से ले सकते हो। इसलिए आपका अभी प्रोसेस बाकी है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है जहां पर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आपको करवाना है, वहां पर मिलना है और वहां ये सारी चीजें बतानी है कि क्या और कोई जरिया है, क्या प्लाज्मा के जरिए हमारा ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये पूछिए। वो आपके सारे रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें अगर उनको लगता है कि जल्दी से हो जाएगा, एक या दो प्लाज्मा करके हो जाएगा तो कराइए, तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चीज है, उम्मीद मत छोड़िए सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने से या फिर एचएलए रिपोर्ट में किडनी मैच नहीं होने से। आप निराश मत होइए, आप अपने प्रयत्न, आपका प्रयास मत छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रांसप्लांट हो जाए, डायलिसिस पे ज्यादा दिन तक, ज्यादा सालों तक किसी को रहना ना पड़े। तो इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।